शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। तो सरकारी कार्मिकों के लिए RGHS बंद, RGHS और चिरंजीवी योजना बंद होने के क्या क्या कारण है इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि कारण आने वाली सरकार नहीं है, इसके कारण कुछ और है, चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन भविष्य में समस्त अपडेट मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस करिएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में खबर है कि सरकारी कार्मिकों के लिए RGHS बंद, पिछली गहलोत सरकार की हेल्थ स्कीम RGHS और चिरंजीवी लगभग बंद हो गई। इसकी वजह आने वाली सरकार नहीं बल्कि वित्त विभाग के अफसर हैं, जिन्होंने दोनों बड़ी योजनाओं का पैसा ही नहीं चुकाया। RGHS के 300 करोड़ रुपए और चिरंजीवी योजना के 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल ट्रेजरी पर पेंडिंग है। वहीं निशुल्क दवा योजना का 300 करोड़ का बिल बकाया है, जिसके चलते अस्पतालों में फ्री दवा नहीं मिल पा रही है। यह सबसे बड़े कारण है RGHS और चिरंजीवी योजना सक्सेस न होने के। सरकार बदलते के साथ कई बार कार्मिकों के प्रश्न है, क्या RGHS में मिलने वाली दवाएं ना मिलने का कारण RGHS बंद होना है? तो इस स्पष्टीकरण के रूप में आपके सामने आज दिखा दिया गया है, RGHS बंद नहीं हुआ है। बाकी भविष्य में लेकर RGHS या अन्य कोई अपडेट होती है जल्द ही चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। जानकारी पसंद आती है वीडियो लाइक कीजिएगा, अन्य कार्मिकों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर से प्रेस करिएगा।